हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमटीवी किचन। अगर आप फास्ट में आलू और घिया की सब्जी खा के बोर हो गए हैं तो मेरे साथ मिलके बनाएं बनाना की सब्जी। ये बहुत ही चटपटी और स्वादिष्ट सब्जी बनती है, आप व्रत में भी खा सकते हैं इसे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लेंगे, इसमें एक चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है मैंने, एक चुटकी हींग डाल देंगे, जीरा डाल देंगे, जीरे को अच्छे से गरम कर लेंगे। अब इसमें बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च डाल दिया मैंने, इन्हें भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, सेंधा नमक यूज कर रही हूं मैं क्योंकि हम फास्ट के लिए बना रहे हैं। धनिया पाउडर डाल देंगे, अब इसमें एक गिलास पानी ऐड करूंगी मैं। मैंने यहाँ पर डेगी मिर्च का यूज किया है, पानी में बॉयल आ गया हमारे। अब इसमें एक चम्मच चीनी ऐड कर देंगे, चीनी डिजोल्व होने तक चलाते रहें। हमें इस तरी को पकाना है अच्छे से। एक चम्मच नींबू का रस ऐड कर देंगे, अब तरी को 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि अच्छे से पक जाए। ये देखिए तरी के ऊपर घी सेपरेट हो रहा है, इट मीन्स तरी हमारी पक गई है। यहाँ पर मैंने 2 बनाना लिए हैं, इनको ऐसे कट कर लिया है, ये भी इसमें डाल देंगे। अब इसे ढककर 1 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि बनाना हमारे थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। ये देखिए आप देख सकते हैं बनाना हमारे थोड़े फूल जाते हैं। सब्जी हमारी रेडी है, अब मैं इसमें जीरा पाउडर डाल रही हूँ, आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देंगे। ये सब्जी हमारी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, आप इसे बिना व्रत के भी बना सकते हैं। इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दीजिए, मैंने इसमें कलर के लिए डेगी मिर्च का यूज किया है ताकि सब्जी में थोड़ा कलर आ जाए अच्छा। सब्जी हमारी रेडी है, अब हम इसे सर्व करते हैं। आप इसको व्रत की पूड़ी या जो व्रत की रोटी आप बनाते हैं उसके साथ खा सकते हैं। ये देखिए लुकिंग वेरी नाइस। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एमटीवी किचन।